लालकेगंज रोड पर चार पहिया वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर होने से तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आपको बताते चले कि दिनांक 31/7/2018 को लगभग 9:30 बजे ठाकुर प्रसाद राठौर का पुत्र युवक राठौर विकास चौराहे के पास अपने घर वापस आ रहा था, तभी एक चार पहिया वाहन सेटा जो की बिना नंबर की गति से गति से आ रही थी, जिसको श्रीधर शर्मा पुत्र मदन दास शर्मा उर्फ पिंटू कुमार पंजाबी कॉलोनी राघव कुंज कस्बा गोला चला रहा था। अपनी गाड़ी से सूरज राठौर को टक्कर मारी और मौके से भाग निकला। सूरज राठौर के साथ एक रस्तों की लड़के ने बताया कि मैंने गाड़ी चालक को अपनी आंखों से देखा था, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। आज लगभग 6 से 7 दिन बीत गए परंतु पुलिस ने गाड़ी चालक के ऊपर मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। पीड़ित ठाकुर प्रसाद से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र सूरज राठौर लखनऊ के एक अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। मैं आज इलाज के लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए आया था, तभी मैंने सोचा कि थाने में जाकर एक जांच पत्र लेकर मुकदमा पंजीकृत करवा लूं। जब पीड़ित ठाकुर प्रसाद राठौर थाने पहुँच कर पुलिस लखनऊ में इलाज करा रहे सूरज राठौर कोमा में है। आपको बताते चले कि लखनऊ में इलाज करा रहे सूरज राठौर अभी कोमा में है और पीड़ित ठाकुर प्रसाद राठौर को थाने से भगा दिया गया और कोई भी जांच पत्र नहीं मिला। उसके पास समय न होने के कारण पैसे की व्यवस्था बनाकर लखनऊ इलाज कराने जाना था। आपको बताते चले कि पीड़ित ठाकुर प्रसाद राठौर बहुत ही गरीब है। आज जब मीडिया वाले आराम से घर पर बैठा है, कहा मैं आला अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि मुझे न्याय दिलवाया जाए, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाकर न्याय की गुहार लगाऊंगा। पीड़ित ने ये भी बताया कि लोगों के माध्यम से मुझे पैसे का लालच दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है यदि पैसे नहीं लिए तो श्रीधर शर्मा पूरे परिवार को लखीमपुर खीरी से विकास पर हुआ। कैसे क्या हुआ? चार पहिए के गाड़ी से हुआ। किसने किया? मिंटू शर्मा ने। ये कहाँ के निवासी हैं? जे राघव कुंज पंजाबी कॉलोनी। क्या आपने इसकी तहरीर पुलिस को दी? तो हमने तहरीर दी है, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी हमारी नहीं लिखी है। आपका लड़का इस समय कहाँ है? लखनऊ में इलाज हो रहा है उसका। कितने दिन हो गए हैं आपके एक्सीडेंट हुए? 6 दिन हो गए हैं। पुलिस ने आप जब प्रार्थना पत्र लेकर गए तो थाने वालों ने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि वहाँ से रिपोर्ट ले आओ तब लिखी जाएगी। काहे की रिपोर्ट? जे जांच की क्या हुआ है उसको। और भी गाड़ी में कोई बैठा हुआ था? हाँ, प्रधान जी बैठे थे, सेरा प्रधान। आपके साथ जो हादसा हुआ है बाकेगंज रोड पे कैसे हुआ? गाड़ी से हुआ है, आगे से टक्कर लगे थे। अच्छा, गाड़ी किसकी थी? समय आपके चोट लगने के बाद गाड़ी उन्होंने रोकी है? रोकी जी, बताएं जो हो गया हुआ है। ठीक है, इसमें आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि आप गाड़ी चला रहे थे और लोगों को कुचल कर चले आए हो। नहीं, वो गाड़ी एक्चुअली मेरा ड्राइवर जो है वो गाड़ी लेके गया था और बाकी गंज तक वो कुछ आदमियों को छोड़ने गया था और छोड़ के जब वो वापस आ रहा था तो ड्राइवर ने बताया कि एकदम उनके आगे गाय आई, तो गाय को बचाने के चक्कर में उसने ब्रेक लगाई तो ब्रेक से गाड़ी घिसटती हुई वो आगे दो बाइक वाले जा रहे थे उनको ठोकर लगी और उससे हादसा हुआ है। ये किस समय की घटना है? कल की? ये 9 बजे के करीब घटना है। आप उस समय कहाँ थे? मैं उस समय अपने घर पे था। आप उस समय कहाँ थे? मैं अपने घर पे था। और ड्राइवर आपका छोड़ने के लिए गया जी, फिर आपके पास गाड़ी आई? गाड़ी आई। ड्राइवर ने क्या बताया आपको? जी,
ड्राइवर ने बताया कि गाय आगे आने की वजह से भैया मेरे ब्रेक लगा और गाड़ी डिसबैलेंस हुई और यह हादसा हुआ, एक्सीडेंट। क्या परिवार वाले अभी आपके ऊपर कोई FIR वगैरह या समझौता वगैरह करना चाह रहे हैं क्या? हाँ, फ़ोन तो आ रहा है कि मतलब हमारा समझौता कर लो। मैंने कहा जैसे आप चाहो वैसे कर लो भाई।